रहीम, अस्सलाम वालेकुम, पखेरा गले एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग, व्लॉग नंबर 3। तो आज का जो व्लॉग है वो मेरा घर पे ही गुजरने वाला है, क्योंकि मेरा यूनिवर्सिटी से फ्राइडे, सैटरडे और संडे ऑफ होता है, तो बस फिर मैं घर ही होती हूँ। तो घर में जो कुछ तो नहीं है, अब हमने उठ के नाश्ता वगैरह भी कर लिया हुआ है और सफाइयाँ वगैरह भी कर ली हैं, तो अब इसके बाद जो आगे जो कुछ करना है तो आपके साथ इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे। क्योंकि उठते साथ जो है तो मुझे बिल्कुल याद नहीं था, और फिर मुझे मतलब नाश्ते के बाद याद है कि ओहो मैंने तो डेली व्लॉगिंग स्टार्ट की हुई है। तो इंशाल्लाह अब यानी नाश्ते के बाद जो कुछ हो रहा है तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारे साथ दराज से आया है एक और पार्सल। अच्छा, अलमारी से आया है एक और पार्सल, तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग करनी। ओ एड्रेस ना बताओ भाजी, ऐसे करो। अरे चीरा पाड़ा कर दो, ऐसे मज़ा नहीं आता पार्सल का। दोनों पार्सल आज एक ही दिन पे आए। अल्लाह बरकत दे। ये कॉफी बीटर है बाबा, एक मेरा है एक आपकी बड़ी बेटी का। कौन सा रंग प्यारा होगा वो मेरा। अच्छा लाला चेक करो। ये गुलाबी तुम ही लेके जाओ। इसमें से कॉफी कितनी निकलती है? इसमें से कॉफी नहीं निकलती, इसमें से कॉफी बनती है, जो कि आपको नहीं पसंद। इसमें सेल डाला करेगा, अब हर दूसरे दिन सेल का खर्चा। एक काम कर, दर्जन एक सेल ले जा साथ। दूसरी का कौन सा कलर है? चलो दोनों का ही पिंक है। मरियम का लालच फ्लॉप हो गया। एक का ब्लैक होगा तो मैं ले लूँ। बहुत मुश्किल से चंदे के दो सेल उठा के लाई हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं बाजार, कुछ जो है तो छोटी मोटी चीज़ लेनी थी। कल जो कपड़े लिए थे उनके साथ जो है तो लैस वगैरह लेनी है। सिटी साइड पे होने का ये फ़ायदा है कि किसी भी टाइम हम उठ के बाजार चले जाते हैं, हमारे काफ़ी करीब पड़ता है, तो बाजार जाने लगे हैं। अगर वहाँ पे मैं ब्लॉग बना सकी थोड़ा बहुत, तो साथ साथ वहाँ पर भी छोटे मोटे क्लिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। ये जी हम लोग फिर निकल गए थे शाहीन बाजार। शाहीन बाजार में मामा कुछ कपड़े देख रही थी, तो कल क्योंकि हम सदर से देख के आए हुए थे तो वहाँ की क्वालिटी मामा को अच्छी नहीं थी लगी। फिर यहाँ पे भी मामा को कुछ खास नहीं लगी, तो मामा कहती है कि वो बीटरी वगैरह इधर की यानी खदड़ है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जो लोकल है ना इनके ऊपर बोर्ड बहुत जल्दी आ जाती है। तो बस फिर ये हम लोग लैसे वगैरह लेने के लिए आए हुए थे मीना बाजार, और ये मेरी बड़ी बहन जो अपनी लैसे पसंद कर रही है, और मैं बस यहाँ पर फारिग हुई काम करने के लिए, मतलब वीडियोज़ बनाने के लिए मैं रुकी थी। और यहाँ पे मुझे नज़र आ गई थी मकई, तो मुझे बहुत पसंद है, तो मामा को मैंने कहा ये लेके दो। और उसके बाद फिर हम लोग दर्जन के घर गए और उनको नाप वगैरह सारा कुछ समझा के आ रहे थे, और वापसी पे निकलते हुए जो है तो ये फिर मामा ने दही भल्ले नहीं पापड़ी चाट हाँ लेके दी। मैं जब जाती ना बाजार, मेरा होता है कि मैंने कुछ नहीं खरीदना, मुझे बस खिलाते रहो, मुझे खाने की क्रेविंग होती रहती है बाहर जाके। तो फिर मामा ने यहाँ से पापड़ी चाट खिलाई, उसके बाद ये हम लोग आए थे घंटाघर फूड स्ट्रीट पे, और यहाँ से मेरी जो बड़ी बहन है ना उसको वो नज़र आ गया था टकाटक, दिमाग का टकाटक बना रहा था, मगज़ का टकाटक, कटाकट कहते हैं, टकाटक कहते हैं, आई डोंट नो, तो वो बना रहे थे। तो अंकल, तो इसने कहा कि मामा मुझे ये लेकर दो, और मुझे इसकी स्मेल से कुछ हो रहा था, मुझे ये दिमाग ज़बान ये सारा कुछ देख के कुछ होता है, लेकिन हमारे घर जब कुर्बानी होती है तो ये जो स्पेशली ये सारा कुछ साइड पर करवाती है, दिमाग हो गया, ज़ुबान हो गई, ये सारा कुछ, के मेरे लिए ये ऑर्गन इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस फिर ये मामा ने इसके लिए टकाटक की कढ़ाई बनवाई, टकाटक की कढ़ाई कहते हैं कि कटाकट की कढ़ाई, हाँ बस इसने यही खानी होती तो इसके लिए बनवा रहे थे। और ये अंकल जो है तो बना रहे थे, साथ साथ में वीडियो बना रही हूँ, अंकल के बेटे के पीछे काम चेक कर रही। पुष्पा करके दिखाओ फिर से, पुष्पा ये कौन सा था? इसके बाद हम लोग आए हुए थे तजमल हलवाई के पास, एक घंटा घर में ही है तजमल हलवाई, तो ये हमें बाबा के साथ बचपन में आया करती थी यहाँ से हलवा पूरी सुबह सुबह लेने के लिए। तो बस यहाँ से जलेबी ली और ये घर हम आ गए। इस बच्ची को हम कह के गए थे हमारे तो कटलेट्स बना लेना, और इसने हाली चाय अभी रखी है माशाल्लाह। बाकी सब काम कर रही थी मैं शायद, अच्छा माफी चाहती हूँ। बाकी सब ने जो है तो मगज का टकाटक खाया, कटाकट होता है कटाकटा को, और मैं ये खा रही हूँ ब्रेड, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। आप बर्गर हो। ये शाम की चाय तैयार होगी और यहाँ पे मैं गर्म कर रही हूँ जलेबियाँ जो हम तजमल हलवाई से लेके आए हुए हैं शाम की चाय के साथ खाने के लिए। और
इसके बाद अगर ये दो सवाल मैं याद कर लूंगी ना, दो और रह जाएंगे, एक तो बहुत छोटा और एक दूसरा। पेपर है आपका, कितनी तैयारी है? सारी तैयारी है, टॉप करेगी, चाय बन गई है। और इस बच्ची का पेपर है, इसको कोई फिक्र नहीं अपनी पढ़ाई की, है पढ़ाई की फिक्र? अच्छा, नीचे से, नीचे से ऊपर से। दराज का सेकंड पार्सल भी आज ही आया है, और जो कि इस हालत में आया, बहुत बुरी हालत में, अल्लाह खैर करे अंदर क्या है, यही ना हो कि कोई धोखा हो जाए हमारे साथ। आके इसकी अनबॉक्सिंग करे कोई एक बंदा। अब इसकी अनबॉक्सिंग होने लगी है, जो कि ऑलरेडी बहुत बुरी हालत में। फातिमा का पार्सल, अच्छा नहीं ब्रशेज नहीं थे ऑर्डर किए, वो कहती है मेरे पास ऑलरेडी बहुत है। ये गोल्डन वाला पेंट नहीं था इसके पास, ये मंगवाया। शाबाश, कैनवास की क्या सूरत हाल है, किस किस्म की क्वालिटी। उसने तुझे पाल पोस के भरा किया, 5 साल बड़ी है, 5 साल ही बड़ी हो बहन, मैं 4 साल, ये इनसे 6 साल बड़ी। हाँ खोलो, खोलो क्वालिटी देखे यार, 5 साल बड़ी है। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, क्या क्या क्या। ये बहुत अच्छी इंसान है, इस नूरा ने मंगा के दिया, इस नूरा ने तो बदतमीज़ है। इस नूरा ने 3-4 साल बड़ी है, इस नूरा ने। अच्छा मामा बना रही है खाना, और खाना हमारा बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, क्योंकि गैस हमारी आती है तकरीबन 11 बजे, इसी वजह से मेरा व्लॉग भी आज का फिर, वरना मैंने आज सोचा था मैं आज 8 बजे व्लॉग अपलोड कर दूँगी, क्योंकि कल भी मुझे 12 बजे अपलोड करना पड़ा था बाज़ार जाने की वजह से, लेकिन फिर गैस नहीं है और हम लोग पहले बाज़ार गए हुए थे। तो अभी यहाँ पर मामा बना रही हैं कबाब की कढ़ाई, कढ़ाई कहते हैं, कढ़ाई कहते हैं, दोनों कह लेते हैं, कोई मसला नहीं है। सारा कुछ इकट्ठा अब डाल दी हमने, और बस इसमें अब कबाब डालने हैं और फ्राई कर लेने हैं। कबाब जो है तो ऑलरेडी हमने फ्राई किया होते हैं, फ्रीज कर लेती हैं मामा इस तरह, फिर मसाला बना के ना तो अंदर कबाब डाल लेती हैं जब टाइम ना हो कुछ बनाने का, तो बस इसी तरह झटपट हांडियाँ तैयार हो जाती हैं मामा की। बस अब इसमें नमक मिर्च मसाला वगैरह सारा कुछ मामा डालेंगी, तो उसकी तो मैं नहीं बना रही क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लेट हुआ है, तो मैंने इसको अपलोड भी करना है। तो बस अगर आप लोगों ने ये वाली प्रॉपर रेसिपी मांगनी हो तो आप लोग कमेंट में बता देना, तो मैं दोबारा से बना दूँगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। You don't ever